Hi guys, hello everyone. Myself Dishita Vajani and myself Kishan Vajani. Welcome to our channel Mr. and Mrs. Vajani. This is our first vlog. So guys, कल हम लोग जा रहे हैं एक नई प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए और आप लोग गेस कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं. और सुबह से हम लोग कर रहे हैं पैकिंग, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई है. कब से लेके हम इंतजार में हैं कि जब कब पैकिंग खत्म हो और अब जिम सोए. लेकिन क्या करें, पैकिंग इतनी सारी है, इतने दिन गुजार रहे हैं हमको बाहर. ये मेरी वाइफ है, वो हेल्प कर रही है, लेकिन वो बीच बीच में इतना सारा बोलती है कि ऐसा लगता तो नहीं है कि मैं इतना कुछ ज्यादा बोलती होंगी. अलविदा, बाय बाय, गुड नाइट. हेलो गाइस, सो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, हमारा लगेज भी कंप्लीट पैक हो चुका है और मैं तो कंप्लीट हो गया हूँ रेडी होके. लेकिन ये देखो, अभी भी अपनी जुल्फे सवार रही है. पता है कि मैं कब लगा. लड़कियों को थोड़ी देर तो लगती है ना रेडी होने में. ट्रेन निकल जाएगी इसकी वजह से मेरे को ये टेंशन है, लेकिन फिर भी देखो, पता है कि मेकअप मेरा टिकने वाला नहीं है. फिर भी अपना खूबसूरत चेहरा जो है ओरिजिनल वो बाहर आ जाएगा. लेकिन मेकअप करने की जरूरत है ही नहीं, मैं खूबसूरत हूं. सबको पता है, सभी को पता है. चलो ठीक है. भाभी ने खूब सुख समृद्धि ने दीर्घायुष आपजो, पुत्रवान आयुष्यवान धनवान सरस, खूब प्रगति करो, आगळ वधता ज रहो, आगळ वधता ज रहो. दर वर्षे नहीं ने दर महीने आवी ट्रीप करो. थैंक यू, थैंक यू. फाइनली पैकिंग हो चुकी है और हम लोग निकल रहे हैं. तो अभी हम जा रहे हैं ट्रिप पे और ये है हमारा लगेज, इसमें से दो बड़े बड़े जो है बैग, वो इसके मेकअप के ही है पूरे. जो ये मेकअप लगाएगी अपने मुंह पे 2-3 किलो. ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, इसके बहुत सारे शूज है, कैप है, मेरा जितना सामान है उससे ज्यादा तो इनका सामान है. अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन. पापा जी, मम्मी जी, ननन, सारे लोग हमें रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए हैं. हेलो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन. सभी लगेज हमारे यहाँ पे आ चुका है, हम भी आ चुके हैं. अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ट्रेन आए और हम उसमें चढ़ जाए. ये थोड़ी ही देर में आ जाएगी, फिर आपको भी पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ. फाइनली जिसका मैं वेट था, हमारी ट्रेन आ चुकी है. हमारा कोच नंबर है B1. अभी तो ये 6 आया, अभी आएगा हमारा भी. फाइनली हम ट्रेन में आ चुके हैं. 3-tier AC कोच है हमारा, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज सारी दी गई है यहाँ पे. ये दोनों सीट हमारी ही है. हेलो, देखो यहाँ पे बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है. यहाँ पे ये बहुत अच्छा बढ़िया बढ़िया कुशन दिया है, सॉफ्ट सॉफ्ट, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है हमको. यहाँ पे देखो हमको ब्लैंकेट मिला है, ऐसा सर्दी का मौसम है तो ब्लैंकेट चाहिए. ये हमको मिला है टॉवेल, ये रखा है चद्दर, और बस इतने मस्त स्पेस है यहाँ पे बैठने की, सोने की, बहुत अच्छी तरह से. यहाँ पे पानी की बॉटल भी रह जाएगी,
और बहुत अच्छा चार्जिंग पोर्ट सब कुछ दिया है यहाँ पे, और विंडो सीट है तो इतना बढ़िया, बहुत मौसम है बाहर का। तो गाइस अभी हमारा डिनर टाइम हो गया है और घर से हम लेके आए हैं खाने के लिए स्पेशल गुजराती फूड करके बने हुए थेपले, कर्ड और बटर मिल्क। मेरी वाइफ सभी धीरे धीरे निकाल रही है और पूरी रात हमको ट्रेन में गुजारनी है, तो सब खाना पीना सभी यहाँ पे ही करना है। गाइस ये देखो अभी सुबह का फ्रेश होने का टाइम हो गया है और हम लोग यहाँ पे अभी ब्रश करके फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। ये देखो बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है, देखो बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है, यहाँ पे ग्रीनरी है गोवा में चारों जगह ना, ये चार है कोकोनट ट्री और ये अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए प्रिपरेशन कर रही है ब्रश करके। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं गोवा पे, तो गोवा का एक स्टेशन है मडगांव, यहाँ पे हमारी गाड़ी ठहरी है। बहुत ही अच्छी जगह है, देखो गाइस इतना ज़्यादा पानी है यहाँ पे कि ऐसा लगता है कि जाते ही डूब जाए इसमें, नीचे भी पानी। सच में अगर आप लोगों को इस डेस्टिनेशन पर आना है तो एक बार तो ट्रेन में ही सफर करना चाहिए, ट्रेन से बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज आते हैं। देखो आप सब लोग देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे व्यूज है, वाटर हमारा आखिरी फूड इस ट्रेन में। अब इसके बाद हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है और हमने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया है। ये अनपैकेजिंग हो रही है फूड की बाय मिसेस वजानी और ये बढ़िया एल्यूमिनियम फॉइल में भी दिया हुआ है पैकिंग। अरे वाह कितना दिखने में भी डिलीशियस है, अभी देख के टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। इसके साथ पिकल दिया है, ये शायद कर्ड दिया है, बटर मिल्क है और ये बिल भी दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया सफर रहा हमारा इंडियन रेलवे में और हमने बहुत एंजॉय किया और सभी हमारे अच्छे मोमेंट्स आप सब देख सकते हो हमारी वीडियो में। और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं आफ्टर लॉन्ग जर्नी अरनाकुलम टाउन स्टेशन। ये हमारा लगेज है और अभी हम जा रहे हैं होटल में चेक इन करने के लिए। रात के 12 बजे हैं करीब करीब और कल दोपहर 2 बजे से हम लोग बैठे थे ट्रेन में। सो फाइनली वी अराइव्ड एट आवर डेस्टिनेशन और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना चहल पहल है अभी भी रात के 12 बजे पूरे स्टेशन पर। फाइनली हम हमारे होटल पर पहुंच चुके हैं। मिस्टर वजानी चेक इन करवा रहे हैं। सो ये है हमारी होटल का कमरा, बहुत ही अच्छा है ये भी। ये अरनाकुलम टाउन से बहुत ही नज़दीक पर है।